तो दोस्तों मूवी की शुरुआत टर्नअप नाम के एक स्टार कमांड एक्सप्लोरेशन वेसल से होती है, जो एक स्पेसशिप होती है जिससे टिकनी प्राइम नाम के प्लैनेट पे लाइफ फॉर्म्स यानी नए जीवन की खोज करने के लिए भेजा होता है और जिसमें बाकी सारे लोग भी शामिल होते हैं। यहाँ हमें दो कमांडर्स दिखाई देते हैं जो हाइबरनेशन से उठे होते हैं। उसमें से एक का नाम बज लाइटयर होता है और दूसरी का अलिशा हॉथॉर्न। वो दोनों उस प्लैनेट पे छानबीन कर रहे होते हैं। उनके साथ एक नया बना हुआ रुकी सोल्जर भी होता है जिसे बज कोई काम नहीं देता है। जब अलिशा और बज की बातें चल रही थी तब अचानक उनपे ट्री वाइन्स अटैक कर देते हैं जिससे सारे लोग जैसे तैसे उनके शिप से भागते हैं। पर भागते समय शिप में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके शिप का डायरेक्शन बदल जाता है जिसके लिए बज का ओवर कॉन्फिडेंस जिम्मेदार होता है। इस वजह से पूरा स्पेसशिप उसी प्लैनेट पे क्रैश हो जाता है। क्रैश होते ही सारे लोग हाइबरनेशन से जाग जाते हैं और उनका हाइपरस्पेस फ्यूल क्रिस्टल भी टूट चुका होता है जिससे उन्हें धरती पे जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। बज इस सब के लिए खुद को दोषी मान के फिर से फ्यूल क्रिस्टल को बनाने में लग जाता है। अभी एक साल बीत जाता है, सारे क्रू मेंबर्स ने उसी प्लैनेट पे टेम्पररी बेस बनाया रहता है। बज अब फ्यूल क्रिस्टल के टेस्ट फ्लाइट को निकलता है पर फिर से क्रिस्टल अनस्टेबल हो जाता है और वो उसके शिप से वापस बेस पर आता है। पर आके उसे शॉक लगता है क्योंकि उसके टेस्ट फ्लाइट की वजह से टाइम में दरार पड़ जाती है और वो लोग 4 साल आगे बढ़ चुके होते हैं पर बज के लिए सिर्फ 4 मिनट हुए होते हैं। वापस आने के बाद अलिशा बताती है कि बज के 4 साल गायब होने के दौरान उसने कीको नाम के साइंटिस्ट से शादी कर ली है। वो बज को सॉक्स नाम का बिल्ला भी गिफ्ट देती है जो एक रोबोट थेरेपिस्ट होता है। बाद में अलिशा बज को नए फ्यूल क्रिस्टल्स की टेस्टिंग होने तक रुकने को कहती है जिससे वो लोग सेफली घर जा पाएंगे। पर बज उसकी एक नहीं सुनता और उसके टेस्ट फ्लाइट्स लेना जारी रखता है। कुछ मिनट्स के उसके टेस्ट्स बाकी लोगों के लिए सालों की तरह होते हैं। हर बार वो वापस आता था तो बाकी लोग और बूढ़े होते थे। ऐसे ही एक फेल टेस्ट से लौटा बज वापस आता है तो देखता है कि अलिशा अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने एक रिकॉर्डिंग भी भेजी होती है जिसमें उसके पोती इजी हॉथॉर्न को दिखाया होता है। अब अलिशा के जाने के बाद शिप का नया कमांडर कैल बर्नसाइड होता है जो बज को बताता है कि सारे क्रू मेंबर्स ने वापस घर जाने का मिशन छोड़ दिया है और अब वो लोग उसी प्लैनेट पे एक लेजर शील्ड बना के हमेशा के लिए रहने वाले हैं। आगे सॉक्स जो उसका बिल्ला था वो बज को बताता है कि उसने 60 सालों तक फ्यूल क्रिस्टल का फॉर्मूला ढूंढने में लगाए हैं और अब जाकर उसे फॉर्मूला मिला है। जब स्टार कमांड के लोग सॉक्स को पकड़ने आते हैं तभी बज सॉक्स के साथ वहाँ से भाग जाता है और सबसे लड़के सॉक्स के फॉर्मूला के हिसाब से एक आखिरी टेस्ट ट्राई करने जाता है। सॉक्स की मदद से बज नया फ्यूल क्रिस्टल का मिक्सचर टेस्ट करता है और पहले ही अटेम्प्ट में वो हाइपर स्पीड अचीव कर लेता है। पर यह कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। बज जब वापस बेस पे लैंड करता है तो वो देखता है कि इस बार वो 22 साल तक हाइपर स्पीड में गया था। लैंड करते ही वो एक अलग ही जगह को देखता है। उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जिसका नाम इजी हॉथॉर्न होता है। ये अलिशा की पोती होती है जो अभी बड़ी हो चुकी है। वो बज को सारी बातें अच्छे से समझाती है। वो बताती है कि हाल ही में कुछ एलियन रोबोट्स की आर्मी ने टिकानी प्राइम प्लैनेट पे हमला कर दिया और उनके स्पेसशिप को भी तोड़ने की कोशिश की, पर कमांडर कैल ने उनके बनाए लेजर शील्ड से उन रोबोट्स को बाहर ही रोके रखा। इसीलिए मेन बेस से उनका कांटेक्ट टूट गया जिस वजह से ना अंदर के लोग बाहर आ सकते हैं ना बाहर के अंदर। इजी के साथ उसके दो और दोस्त होते हैं जिनका नाम मो और डाबी होता है। आगे इजी उसका प्लान बताती है जिसमें उन्हें एक बड़ा सा रोबोट बेस उड़ाना होता है जिसके अंदर से रोबोट्स ऊपर के बड़े शिप से नीचे टेलीपोर्ट करते थे। बज को उनका प्लान पहले पसंद आता है पर एक रोबोट के हमले से बचाव करते समय बज को उनके टीम की असलियत पता चल जाती है। असल में इजी और उसके दोस्त ट्रेनिंग वाले कैडेट्स होते हैं और सब कुछ सीख रहे होते हैं। इसीलिए एज यूजुअल बज गुस्सा होके मिशन को खुद ही करने का फैसला लेता है। पर मिशन को खुद ही करने का फैसला लेने वाले बज के साथ बाकी लोग आखिर में जुड़ ही जाते हैं। आगे जब वो लोग बग रोबोट्स के उसी नेस्ट के अंदर आते हैं तो वहाँ मो और डाबी बड़ा हंगामा खड़ा कर देते हैं। इससे होता ये है कि सारे बग रोबोट्स जाग जाते हैं और उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। पर भागते समय मूवी का विलन जर्ग उन पर अटैक कर देता है और सारे लोग उस प्लैनेट के डार्क एरिया में क्रैश लैंड करते हैं। सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि उनके शिप का कॉइल खराब हुआ होता है। फिर इजी एक नया प्लान बनाती है जो कि पास के माइनिंग फैसिलिटी से कॉइल लाना होता है। फैसिलिटी एक चट्टान के साइड में बनी होती है। जब उन्हें कॉइल मिल जाता है तभी गलती से डाबी का हाथ कंट्रोल पैनल पे लग जाता है जिससे सारे लोग लेजर शील्ड में फंस जाते हैं जो धक्का देते ही कंबाइन हो जाते हैं। इसकी मदद लेके सारे लोग टीम वर्क से काम करते हैं और फैसिलिटी से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बस को अभी जाके टीम वर्क का असली मतलब समझता है और वो आगे से सबके साथ मिलके ही काम करने का डिसाइड करता है। अब फैसिलिटी से कॉइल लेके जाते समय बस और उनके दोस्तों पर जर्ग फिर से हमला कर देता है। बस को वहाँ पता लगता है कि जर्ग सिर्फ उसी के पीछे पड़ा है न कि बाकी लोगों के।
बज जर्क को डिस्ट्रैक्ट करता है और तब तक बाकी लोग शिप में चले जाते हैं। पर शिप में नई कॉइल को चालू होने में थोड़ा समय होता है, इसीलिए वो लोग शिप को जमीन से चिपक के चलाते हैं। इसी दौरान जर्क और उसके रोबोट्स लगातार उनपे अटैक कर रहे होते हैं, पर बहुत ट्राई करने के बाद जर्क का एक रोबोट बज से वो फ्यूल क्रिस्टल छीन लेता है और जर्क भी बज को पकड़ के अपने शिप पे ले जाता है। जर्क का असली रूप देख के बज शॉक में रह जाता है, क्योंकि जर्क बज का ही बूढ़ा वर्जन होता है जो एक दूसरे टाइमलाइन के फ्यूचर से आया होता है। वो कहानी में बताता है कि जब जर्क प्लैनेट पे वापस आया था तो सारे कमांडर्स उसे पकड़ने आए थे, तो वो वापस स्पेस की ओर चला गया, जिससे उसके स्पीड की वजह से वो लोग एक अलग ही फ्यूचर में चले गए, जहां उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी मिली जिससे वो जर्क बन गया। उसने बस की तरह 50 साल फ्यूल क्रिस्टल का फॉर्मूला बनाने में लगा दिए, जिससे वो फ्यूचर से वापस आके उनके टर्नअप शिप को वापस धरती पे ले जा सके। पर फ्यूचर से वापस आते समय उसके फ्यूल क्रिस्टल की पावर खत्म हो चुकी थी और इसीलिए उसने बस को पकड़ा, जिससे उसके क्रिस्टल से वो सब वापस धरती पे लौट पाएंगे। पहले ये सब बातें बस को ठीक लगती है, पर जब बस क्रिस्टल देने से मना करता है तो जर्क उसे मारने आगे बढ़ता है। तभी उस जर्क का बिल्ला सॉक्स उसे थोड़े देर के लिए बेहोश कर देता है, जिससे बस शिप के मेन कंट्रोल रूम में जाके शिप का सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम चालू कर देता है। पर जर्क उसे इतनी आसानी से ये करने नहीं देता। उस शिप में जर्क और बस की जबरदस्त फाइट होती है और फाइट में जर्क फ्यूल क्रिस्टल को बस से ले लेता है। बस के पास अब फ्यूल क्रिस्टल को उड़ाने के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। ऐसा करते ही बस और उसकी टीम शिप के फूटने से पहले ही वहां से निकल जाते हैं और उस ब्लास्ट में जर्क मारा जाता है। आगे बज और उसकी टीम वापस टेकानी प्लैनेट पे जैसे तैसे लैंड करती है, जहां उन्हें कमांडर कैल आके अरेस्ट कर लेते हैं। सबको लगता है कि वो जेल जाने वाले हैं, पर कमांडर उन्हें एक नई स्पेस रेंजर टीम बनाने का आदेश देते हैं, जिससे वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बज अपनी टीम में इजी, मो और डाबी को ही चुनता है। अब सारे लोग सॉक्स ने बनाए फ्यूल क्रिस्टल के नए फॉर्मूला को, जो फाइट के वक्त दूसरे प्लैनेट पे छूट गया था, उसे लाने एक नए एडवेंचर पे निकलते हैं और यहां मूवी का एंड होता है।